तो साल में 2 बार स्वार्मिंग होती है हमारी, एक आजकल होती है जैसे बसंत ऋतु में, और पर कॉलोनी से तीन चार चार स्वर्म हमारे निकलते हैं, और दूसरी अक्टूबर और नवंबर में। तो दोस्तों बसंत ऋतु है और आजकल हमारी कॉलोनी से स्वर्म निकल रहे हैं, तो उसको हमें समय पर ही अपनी कॉलोनी का विभाजन करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि अंदर कई क्यूने तैयार हो जाती है और कई घर छूट जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो जब घर छूट निकलना शुरू हो जाते हैं तो आप देखते होंगे इधर उधर पेड़ों में कहीं भी जो है हमारी बीज लटकी हुई बैठी हुई मिलती है। अगर समय पर हम उठाते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं उठाते हैं तो वो कहीं दूर सेटल हो जाती है। क्या होता है हमारी कॉलोनी से स्वर्म निकलते हैं और उससे हम कहते हैं बकछूट। तो दोस्तों बकछूट क्या है? बकछूट का मतलब ये है कि हमारी कॉलोनी से जो स्वर्म निकलता है वो कहीं दूर चला जाता है, हमारी पकड़ में नहीं आता है और वो भाग जाता है, तो उसे कहते हैं हम बकछूट। तो ये जो है हर समाधान हमें हर समय पर करना चाहिए अपनी कॉलोनी का समय समय पर, ताकि हमारी कॉलोनी से कोई घर छूट या बकछूट नहीं निकले और विभाग। कई बार क्या होता है कि 60 से 70% जो हमारा मधुमक्खी का बीज होता है वो एक साथ जो हमारी जब ओल्ड क्यून निकलती है और ले जाती है, मतलब 60 से 70% बीज है ना, तो पीछे रह जाता है हमारे पास बेबी ब्रूड जो 10 15 18 दिन से कम का होता है, वो जो है अंदर हमारी कॉलोनी में रह जाता है और बाकी भी जो है वो जब ओल्ड क्यून निकलती है तो बहुत बड़ा स्वार्म निकलता है और फिर वो भाग जाती है, तो पकड़ में नहीं आती है। तो इसलिए हमें जो है विभाजन बिल्कुल आसान तरीका है, और इससे क्या होगा हमारी कॉलोनी भी बढ़ेगी और बीज भी नहीं भागेगी। तो अपनी 1 से 2 कॉलोनी बना लेंगे और विभाजन कर देंगे, तब क्या होगा हमारी जो घर छूट वाली जो प्रॉब्लम है या मधुमक्खी स्वार्म निकालती है वो भाग जाती है, और हमें जो है फिर पकड़ने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ती है, कई बार बड़े बड़े पेड़ों में बैठ जाती है या इधर उधर, तो कंट्रोल करना फिर मुश्किल हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रमेश। तो आज हम कर रहे हैं अपने बॉक्स का विभाजन। तो क्या होता है विभाजन दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। बसंत ऋतु है और हमारी जो कॉलोनियां हैं मधुमक्खी की जो कॉलोनी है वो स्ट्रांग हो रही है, फुल हो रही है, सिराना एपिसिराना की। तो आज हम इसका विभाजन कर रहे हैं। अब ये 8 फ्रेम में मक्खी हमारी पहुंच चुकी है, और विभाजन कैसे पता करें कि हमारी कॉलोनी का विभाजन होने वाला है? क्या क्यून सेल अंदर बन गए या बनने जा रहे हैं? तो क्या होता है कई बार हम घर में भी नहीं होते और हमारा मधुमक्खी का ओल्ड क्यून जो होती है वो आधा परिवार लेकर यहाँ से भाग जाती है और कहीं दूर जाकर अपनी कॉलोनी जो है सेटल कर लेती है। तो आज हम वही विभाजन कर रहे हैं अपनी कॉलोनी का। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 खाली बॉक्स लिए, एक इस तरफ और दूसरा उस तरफ, और बीच में हमारी मदर कॉलोनी। तो यहाँ से मैं विभाजन करूँगा और दोनों बॉक्स में ये जो हमारे छत्ते हैं इसको मैं डिवाइड कर दूँगा, ताकि हमारी कॉलोनी जो है वो चली रहे, भागे नहीं, और हमें भागना नहीं पड़े और मेहनत ना करना पड़े कि वो भाग जाएगी और फिर पकड़ना पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों ये है फ्रेम और इसके अंदर जो है ब्रूड है, सील्ड ब्रूड है, ड्रोन भी है। तो इसको मैं डाल रहा हूँ यहाँ इस कॉलोनी ये इस बॉक्स में, ये हमारी पहली फ्रेम और ये नंबर 2। अब इसके अंदर देखिए आप ड्रोन सेल देखिए कितने हैं, ये पूरी फ्रेम जो है ड्रोन ही ड्रोन है टोटल दोनों तरफ, है ना, तो ड्रोन ही ड्रोन है भाई दोनों तरफ। तो अभी इसमें क्यून सेल मेरे को नजर नहीं आया, तो इसको भी हम डाल लेते हैं यहाँ इस तरह से, 2 फ्रेमें हो गई।
और उसके बाद मैं अगली फ्रेम निकाल रहा हूँ। इसके अंदर लार्वा है और छत्ता बन रहा है, लार्वा है, तो इसको डाल रहा हूँ मैं यहाँ इस वाले बॉक्स में। देखिए किस तरह से विभाजन करते हैं। और उसके बाद आई नेक्स्ट फ्रेम आगे वाली, तो इसके अंदर जो है ताजे अंडे हैं और कुछ ब्रूड निकला हुआ है। तो क्या होता है, कई बार हम घर में नहीं होते हैं और हमारी मधुमक्खी जो है स्वार्म निकाल लेती है एडवांस में ही, पहले ही, क्योंकि इसके अंदर इतने ड्रोन तैयार हो गए ये कॉलोनी कभी भी स्वार्म मार सकती है। 70% मधुमक्खी जो है यहाँ से भाग जाएगी और कहीं सेटल हो जाएगी, तो हम उसको उससे ये कदम आगे ही उसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे, विभाजन कर देंगे और एक से दो कॉलोनी हम बना लेंगे। तो ये हो गई तीन फ्रेमें यहाँ डाल दी मैंने, दो फ्रेमें वहाँ, अब वहाँ भी तीन फ्रेमें डाल देते हैं हम। ये रही इसकी ओल्ड क्यून, तो इसको डाल रहा हूँ मैं यहाँ, चार फ्रेमें होगी, तो यहाँ होगी हमारी ओल्ड क्यून इस वाली कॉलोनी में। और यहाँ से मैं उठा रहा हूँ, इसमें फ्रेश एग है, अभी क्यून सेल नहीं बना है लेकिन बन जाएगा, तो इसको डाल रहा हूँ मैं यहाँ इस तरह से। और ये देखें यहाँ भी ड्रोन का पूरा जो छत्ता है, ये पूरी जो फ्रेम है इसमें भी ड्रोन है दोनों तरफ, आप देख सकते हैं बहुत से ड्रोन है। तो मधुमक्खी जो हमारी वो कभी भी यहाँ से स्वर्म निकाल सकती थी, है ना, जरूरी नहीं है अंदर क्यून सेल बनेगा तभी स्वर्म निकलेगा हमारा। कई बार क्या होता है क्यून सेल बनना शुरू हो जाता है और मधुमक्खी अपना स्वर्म निकाल के भाग जाती है, डिवीजन तो होगा एक दिन, वैसे भी स्वर्म तो निकलेगा ही, तो उससे पहले ही हमने इसका विभाजन करना है। तो ये हो गया दोस्तों विभाजन आसान। अब इसको मैं यहाँ से उठा रहा हूँ और साइड में रख रहा हूँ यहाँ इस तरह से, इसको भी उठा लेते हैं, इसको भी यहाँ रख लेते हैं। अब देखिए आप यहाँ था हमारा बॉक्स, अब क्या होगा, जो बीज बाहर से आएगा वो आधा बीज यहाँ जाएगा और आधा बीज यहाँ जाएगा। ये देखिए तो यहाँ था वो बॉक्स हमारा, अब जो भी बीज बाहर से आएगा वो आधा इधर जाएगा आधा उधर जाएगा, उस बॉक्स में जा रहा है। तो इसका जो मेन एड्रेस था वो यहाँ था हमारे बीआईपी का, और यहाँ से अब हमने डिवाइड कर दिया। तो आप चाहे तो एक बॉक्स को सीधा ही उठाकर यहाँ दूसरी तरफ भी रख सकते हैं और दूसरा दूसरी तरफ रख सकते हैं, बीच का जो स्पेस होता है, जैसे ये बीच का आपको स्पेस दिख रहा है, तो यहाँ जो हमारा स्थान जो है वो हमने खाली करना है ना, ताकि हमारी जो पुरानी मदर कॉलोनी होती है उसका जो फोकस रहता है बाहर से आने वाले बीज का वो यहाँ सेंटर में रहता है, और जब हम उनको डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ तो फिर वो दोनों कॉलोनी में आधा आधा अपने हिसाब से जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप भी डिवीजन कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। और अब डिवीजन को किए हुए मेरे को तकरीबन 3 घंटे हो गए, तो 3 घंटे के बाद की स्थिति कुछ इस तरह से है, बीज जो हमारा दोनों बॉक्स में जा रहा है, आ रहा है जा रहा है दोनों बॉक्स में। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी और कई कॉलोनी होती है, जैसे आपके पास 2-4 या बाल हाईवे या लॉग हाईवे कहीं भी अगर क्यून सेल बन रहे हो तो आप वहाँ से भी क्यून सेल काट के
दो चार घंटे के बाद अपने अपने इस कॉलोनी में दे सकते हैं। जैसे मैंने एक क्यून सेल जो है यहाँ काट के ले आया मैं किसी और कॉलोनी का, तो ये क्यून सेल है, इससे जो है क्यून हमारी एक दो दिन में निकल जाएगी। तो ये क्यून सेल है। अब ये क्यून सेल जो है इसको हम यहाँ डाल देंगे, ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं इसके अंदर इस तरह से, और बीज इसको एकदम पकड़ लेगा। बस ये देखिए बीज जो है इसको पकड़ रहा है, क्योंकि यहाँ क्यून नहीं है तो अब इसको ये पकड़ लेगा इस तरह से। बस अंदर हो गया, इस तरह से हम डाल देंगे और हमारी कॉलोनी जो है जल्दी चल पड़ेगी। और ये रहा वो दूसरा बॉक्स जिसमें क्यून है, तो ये देखें ठीक है, उसको मैंने ये फाउंडेशन सीट लगा के एक फ्रेम और डाल दी, दोनों में डाल दी। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ क्यून सेल भी नहीं देंगे तब भी क्यून तैयार हो जाएगी, बस हमें ये देखना है कितने क्यून सेल बन रहे हैं और हमें एक ही सेल अंदर छोड़ना है, नहीं तो यहाँ से भी डिवीजन हो जाता है कई बार। और ख़ासकर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे बॉक्स का कलर एक ही होना चाहिए, जैसे येलो है तो येलो ही होना चाहिए, अगर वाइट है तो वाइट ही होना चाहिए, दोनों का सेम कलर होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कई बार कलर की वजह से हमारी बीज जो है एक बॉक्स में ज़्यादा और एक बॉक्स में कम हो जाती है, तो ये भी ध्यान रखना आपने। ये जो ओल्ड क्यून है हमारी इस बॉक्स की, ये वाला, तो इसका मैंने विभाजन कर दिया और यहाँ जो है नया क्यून सेल डाल दिया। अगर क्यून सेल नहीं डालेंगे तब भी अंदर क्यून बन जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, 10-12 दिन में यहाँ भी क्यून बन जाएगी। तो मेरी और कॉलोनी में सेल बन रहा था तो मैंने वहाँ से काट के यहाँ जो है सेल भी डाल दिया, और यहाँ ओल्ड क्यून है। तो ये जो ओल्ड क्यून होती है ये जब स्वार्म निकलता है हमारा, तो उससे पहले 2-4 दिन पहले से ही अपनी खुराक लेना कम कर देती है। जब ये खुराक कम लेती है तो ये फिट हो जाती है, मतलब उड़ने लायक हो जाती है, इसको फिर हम कंट्रोल नहीं कर सकते कई बार। जब ये झुंड निकालेगी, स्वार्म निकालेगी, भाग जाएगी, तो ये कंट्रोल करना मुश्किल भी होता है कई बार, क्योंकि ओल्ड क्यून जो निकलेगी वो कई बार क्या होता है ना, इधर उधर पेड़ में कहीं भी बैठ सकती है। तो इससे पहले अगर हम विभाजन कर देते हैं अपनी कॉलोनी का तो हमारा बीज जो है कंट्रोल रहता है और भागता नहीं है ना। बस हमें ये देखना होता है अंदर एगलिंग चली है या नहीं चली है, क्यून क्या फिट है, क्यून को देखने से भी मालूम हो जाता है। आज हम अपनी क्यून को अंदर जब देख रहे हैं इस कॉलोनी की, तो अंदर क्यून हमको हट्टी कट्टी तगड़ी लग रही है। अगर क्यून हमारी अंदर रानी मधुमक्खी अगर कमज़ोर लग रही है तो समझ लीजिए आप कि वो एगलिंग भी कम कर दिया उसने और फिर वो भागने के चक्कर में है, तो ये भी देखना ज़रूरी होता है। तो मैंने इसका जो है विभाजन कर दिया, दो बॉक्स बना लिए, और आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो ये पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।